So hi everyone, my name is Jayaprakash Srivas, owner of Tattoo Network and Artist Studio. So आज का जो ब्लॉग है उसमें हम एक फादर का पोर्ट्रेट बना रहे हैं जो कि मेरे क्लाइंट है, वो ओल्ड क्लाइंट है, वो ऑलरेडी मुझसे 2-3 टैटू बना चुके हैं और वो अभी फिलहाल फिर आए हैं एक नया टैटू बनवाने। सो वो इस बार उनका टैटू काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उनके फादर का पोर्ट्रेट है। सो आज का अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम स्टेंसिल अप्लाई कर चुके हैं बॉडी पे और स्टेंसिल प्रॉपर लग चुकी है। सो हम टैटू स्टार्ट करते हैं आज के अपॉइंटमेंट। तो गाइस, हमारा टैटू ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ब्लैक का काम कंप्लीट हो चुका है, बस वाइट इंक का काम बचा हुआ है। सर काफ़ी दूर से आए हैं, मैं ऑलरेडी सर का टैटू पहले भी बना चुका हूँ। तो सर, ये जो आप टैटू बनवा रहे हैं ये कुछ स्पेशल है, किसका बनवा रहे हैं? ये पिताजी का टैटू। अच्छा, अपने फादर का टैटू बनवा रहे जी। ओके, तो अभी क्या करते हैं सर आप? अभी राजकोट में हूँ, जैसे यहाँ भोपाल में था दादा मही में जी, वैसे राजकोट में एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, राजकोट में है। हाँ, तो भोपाल आना सडनली? भोपाल में कुछ काम था। अच्छा, और कैसा लगा? और पिछले मीटिंग में जब आया था तब बताया था कि एक प्रोडक्ट बनाना जी जी। हाँ, तो अभी मौका था, चौका मार दिया। बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा स्टूडियो में सर? रिनोवेशन के बाद अच्छा लग रहा है, पिछली बार भी अच्छा लग रहा था ऐसा नहीं है। अच्छा, रिनोवेशन में थोड़ा अभी दिवाली रिनोवेशन हुआ है। हाँ, तो भाई टैटू फाइनली कंप्लीट हो चुका है सर का। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कि फाइनल रिजल्ट कैसा रहा है। सो गाइस, ये सर के फादर का पोर्ट्रेट है जो कि कंप्लीट हो चुका है फाइनली। हैव अ लुक फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, सर का फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है। पोर्ट्रेट टैटू है, उनके फादर का उन्होंने टैटू करवाया है। सर, कैसा लगा टैटू आपको? बहुत अच्छा बना है। थैंक यू सर। सो हाय एवरीवन, सर के चेस्ट पे टैटू है जो कि वो एक क्राउन बना रहे हैं। स्मॉल सा टैटू है पर वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा टैटू है। सर ऑलरेडी पहले भी टैटू बना चुके हैं, सो आज एक नया टैटू है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। सो गाइस, हम ट्रेसिंग अप्लाई कर चुके हैं सर की बॉडी पे और सो टैटू स्टार्ट करते हैं। ला, 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 ला,
टैटू स्टार्ट कर चुके हैं और ये सर चेस्ट के मिडिल पार्ट पे बनवा रहा है जो थोड़ा काफ़ी यूनिक सा है। तो सर पेन तो नहीं हो रहा आपको? जयपाल जी कैसी बात कर रहे हैं, मर्द को दर्द नहीं होता क्या बात है? सर के टैटू की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। सो गाइस सर का टैटू ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जस्ट व्हाइटिंग का काम बचा हुआ है। वैसे भी सर हमारे ओल्ड क्लाइंट हैं, सर का मैं पहले उनकी मदर का टैटू कर चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले मैंने ये टैटू किया था। और वन मोर टैटू है जो कैमरा बनवाया था आफ्टर 1 ईयर समथिंग हो चुका है, और वन मोर टैटू है जो उन्होंने कंपास बनवाया था। सो ये वन नया टैटू बनवा रहे हैं सर। सर ये नया टैटू का सडनली कैसे प्लान हुआ? मैंने जस्टिन बीबर की पिक देखी थी, उसमें अच्छा टैटू अच्छा लगा था। तो अच्छा जस्टिन बीबर के चेक पे आपने ये देखा था? जी जी। अच्छा सर का टैटू फाइनली कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कि वो फाइनल रिजल्ट कैसा दिखता है। सो गाइस सर का टैटू फाइनली कंप्लीट हो चुका है, हैव अ लुक फाइनल रिजल्ट। सर कैसा लगा टैटू आपको? मैंने और भी टैटू करवाए हैं और सभी टैटू का ये भी एक अच्छा टैटू था। सो हाय एवरीवन, आज दो स्मॉल से टैटू हैं जो कि सर बनवाए हैं। एक ब्यूटीफुल सा नाम है मिस्टी लिख रहे हैं वो अपनी वाइफ का, और एक छोटा सा सिंबल बनवा रहे हैं हैंड पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। पेन तो नहीं हो रहा है सर? नहीं। तो गाइस सर के दो स्मॉल से टैटू थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट कैसा रहा है।